राजस्थान कांग्रेस में खत्म नहीं हुई रार, सचिन को क्लीन बोल्ड करने के लिए सीएम गहलोत ने तैयार किया कैसा प्लान। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जहां देश को जोड़ने की बात कर रही है, वहीं पार्टी के भीतर ही नेताओं में आपसी खींचतान जारी है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच की रार किसी से छिपी नहीं है। सचिन पायलट जहां वर्तमान सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते, तो वहीं गहलोत भी सचिन पायलट गुट को दो टूक सुनाने से पीछे नहीं हटते। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां अशोक गहलोत फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सचिन पायलट को जीरो पर आउट करने का प्लान भी तैयार कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 2023 में जीत के लिए 156 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। गहलोत के इस दांव से सचिन पायलट गुट चारों खाने चित होता नजर आ रहा है। सीएम अशोक गहलोत 2023 में सरकार रिपीट करने का दावा कर चुके हैं। अपने बजट की कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जाने को तैयार है। सचिन पायलट गुट की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बावजूद सीएम अशोक गहलोत कभी दबाव में नजर नहीं आए। वे पहले भी कई बार तीखे हमले कर चुके हैं। वे सचिन पायलट पर नकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना और सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने के आरोप लगा चुके हैं। वहीं सचिन पायलट भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उनकी सीएम बनने की चाह किसी से छिपी नहीं है। वे लगातार किसान सम्मेलन को लेकर प्रदेश के कई जिलों में रैलियां व सभाएं कर रहे हैं। वे भारी भीड़ इकट्ठा करने में कामयाब भी दिख रहे हैं। राजस्थान पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में भी इसकी झलक हमें देखने को मिली। पायलट के क्षेत्र से जैसे ही यात्रा गुजरी तो लोगों की भारी भीड़ यात्रा में नजर आई। इसके अलावा अशोक गहलोत गुट के नेताओं को भी अपने पाले में लाने की पायलट हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में सीएम गहलोत के करीबी रहे हरीश चौधरी को पायलट ने अपने गुट में शामिल कर लिया है। पायलट गुट में शामिल राजेंद्र सिंह गुढ़ा, हेमाराम चौधरी व अन्य नेता मुखर होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगातार जुबानी हमला बोल रहे हैं। सचिन पायलट गुट अपनी ही सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पहले ही दावा कर चुके हैं कि सचिन पायलट अगर सीएम नहीं बनाए गए तो एक फॉर्च्यूनर में आए जितने विधायक ही पार्टी जीत पाएगी। अशोक गहलोत जहां 2018 में सरकार बनने का श्रेय खुद को देते हैं, तो वहीं सचिन पायलट व पायलट गुट के नेता 2018 में सरकार में आने का श्रेय खुद ले रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में गहलोत का मास्टर स्ट्रोक काम आता है या सचिन पायलट का जादू चलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।